लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजादी के बाद से ही जिले का हक रखने वाले ब्यावर उपखंड को आखिर 66 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद जिले का दर्जा नहीं मिल पाया है। शहरवासियों को शुक्रवार को प्रदेश के सीएम की ओर से पेश किए गए बजट में जिला बनने की उम्मीद थी, लेकिन बजट में सीएम ने उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस पर फैसला लेने की बात कही। बजट पेश करने के दौरान सीएम अशोक गहलोत द्वारा उच्च स्तरीय बैठक की रिपोर्ट पर ही फैसले की बात के साथ ही शहरवासियों की ब्यावर को जिला बनाने की आस एक बार फिर धूमिल हो गई। मालूम हो कि मेरवाड़ा स्टेट के समय में मुख्यालय वाले ब्यावर शहर का वर्चस्व दिनों दिन घटता जा रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1956 में ही जिला बनाने की सहमति होने के बावजूद अब तक जिला नहीं बन पाया है। कर्नल जॉर्ज डिक्सन ने 1 फरवरी 1836 को ब्यावर की स्थापना की आधारशिला रखी। वर्ष 1839 ईस्वी में 144 मेरवाड़ा बटालियन की मौजूदगी में मेरवाड़ा स्टेट की घोषणा की गई। इस स्टेट का मुख्यालय ब्यावर शहर को बनाया गया। 25 जून 1857 ईस्वी को मृत्यु पर्यंत तक डिक्सन मेरवाड़ा व अजमेर संयुक्त अंग्रेजी स्टेट के कमिश्नर व सुप्रिंटेंडेंट रहे। 1 नवंबर 1856 को केंद्र सरकार की सर्वानुमति से राजस्थान प्रदेश में मिलाते समय अजमेर को जिले के साथ राजस्थान की राजधानी और मेरवाड़ा अर्थात ब्यावर राज्य को जिला बनाना तय हुआ था। इसी मसौदे के तहत इन दोनों प्रदेशों ने राजस्थान प्रदेश में मिलने की रजामंदी दी थी, लेकिन राजस्थान की तत्कालीन सुखाड़िया सरकार ने केंद्र सरकार के निर्णय के विरुद्ध अजमेर को राजस्थान की राजधानी न बनाकर मात्र जिला और मेरवाड़ा अर्थात ब्यावर को मात्र उपखंड बना दिया। तब से लेकर अब तक 66 वर्ष बीत गए, लेकिन प्रदेश का मैनचेस्टर माने जाने वाले ब्यावर शहर को लगातार बर्बादी का दंश और पतन का मंजर झेलना पड़ रहा है। विगत 66 वर्षों से ब्यावर को जिला बनाने की मांग को लेकर कई संगठनों और कार्यकर्ताओं की ओर से आंदोलन तथा धरना प्रदर्शन तक किए गए। ब्यावर को जिला बनाने के लिए 1977 में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शांतिलाल शाह ने सरकार को एक माह का नोटिस दिया गया था। उसके पश्चात 21 अप्रैल 1977 को उस समय डिक्शन छतरी आज के भारत माता सर्किल पर टेंट लगाकर अनशन भी किया गया था, मगर प्रभावी राजनीतिक नेतृत्व क्षमता के अभाव में ब्यावर को जिला बनाने की आस अधूरी ही। इसके बाद राज्य में कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भाजपा ने तथा भाजपा के शासनकाल में कांग्रेस ने ब्यावर को जिला बनाने के लिए आंदोलन किए गए, उनका कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। आजादी के बाद से ही जिले के बराबर का दर्जा रखने वाले तथा प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले ब्यावर उपखंड का दर्जा कम करने के लिए भी राजनीतिक दलों ने बखूबी काम किया। शहर में स्थापित जिले का दर्जा प्राप्त सीएमएचओ कार्यालय को भी अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। इसके विरोध में भी राजनीतिक संगठनों की ओर से आंदोलन किए गए, लेकिन कार्यालय को पुनः ब्यावर में नहीं खोला गया। धीरे धीरे ब्यावर को जिला बनाने से रोकने के लिए कई प्रकार के राजनीतिक कुचक्र चलाए गए, लेकिन शहरवासियों ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा। पूर्ववर्ती सरकारों ने क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्यावर से भी कम माने जाने वाले दूसरा तथा प्रतापगढ़ को जिला बना दिया, जिसके बाद ब्यावर को जिला बनाने की मांग क्षीण होने लगी, लेकिन शहरवासियों ने अपने हक की मांग को नहीं छोड़ा। इस मांग को लेकर कई बार हस्ताक्षरता पोस्टकार्ड अभियान चलाए गए। इसी क्रम में राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 3 बार विधायक बने शंकर सिंह रावत ने भी कांग्रेस के शासनकाल में 2 बार पैदल यात्राएं की। इसी प्रकार बजट सत्र से पूर्व ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी मनोज चौहान इस वर्ष फिर यकायक सक्रिय हुए और सीएम अशोक गहलोत को अपना भगवान बताते हुए अपने भगवान से ब्यावर को जिला बनाने की मांग को लेकर पहले हस्ताक्षर था, उसके बाद इस वर्ष पद यात्रा भी की। इसी प्रकार नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने भी जिले की मांग को लेकर शहर भर में सद्भावना रैली निकाली, लेकिन विगत 66 वर्षों से ब्यावर को जिला बनाने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलनों तथा अभियानों को अब तक तवज्जो नहीं मिल पाई है। कुल मिलाकर देश के दोनों ही राजनीतिक दलों भाजपा तथा कांग्रेस ने हर बार शहर के साथ छलावा किया है।